नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा कॉज है आपके सिलेक्शन को रोकने वाला, जो कि है आपका डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन बच्चों कई तरीके का हो सकता है। एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप लोग कभी, मान लीजिए जब आप लोग कोचिंग में कहीं जा रहे हैं या आप लोग कुछ भी अपनी कॉलोनी में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है जो आप लोगों को आपके अपने काम से हटाने की कोशिश करता है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं वो डिस्ट्रैक्शन कौन सा है। एक डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है बच्चों जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, आप अपना टेस्ट दे रहे हैं और आपका कोई जानने वाला दोस्त है, वो मान लीजिए आपसे एक्सेल कर रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो टेस्ट में हो, या कि डीपीपी वो ज्यादा सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन वो ज्यादा सॉल्व कर रहा है, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ये होता है। एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों कि आपके घर में जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर आपको फुली सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके एजुकेशन को, आपके एंट्रेंस की तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो कई तरीके के डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है एक बच्चे को जो कि इंडिया की टॉप मेडिकल, टॉप जो सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में 3 एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक तो आपको सबको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम सबसे नंबर वन पे है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और फैसिनेटिंग एग्जाम माना जाता है। उसके बाद जेईई एडवांस और नीट, इन दोनों की बराबर वैल्यू है आपका कि किसकी कितनी औकात है एंट्रेंस एग्जाम के फील्ड में। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करना है तो बच्चों आपको मिनिमम 10 से 12 लाख लोगों को अपने पीछे छोड़ना पड़ता है। और मेहनत सिर्फ, देखिए सिलेक्शन होता है मुश्किल से 10 से 12 हजार लड़कों का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि केवल 14 लाख 15 लाख फॉर्म जितने पढ़ते हैं उसमें से 10 से 12 हजार बच्चे ही मेहनत करते हैं। मेहनत करने वालों की संख्या कम से कम 1 लाख होती है। लेकिन बच्चों ऐसा क्या होता है जो वो 12 लाख बच्चे सेलेक्ट, 12 हजार बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी के 88 हजार बच्चे इस भीड़ में पीछे खो जाते हैं और उनको या तो फिर से तैयारी करनी पड़ती है या तो अपने एंट्रेंस एग्जाम को ही बदलना पड़ता है, उनको किसी और फील्ड में जाना होता है। तो बच्चों आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने की क्या क्या टेक्निक्स आप अपना सकते हैं, और जो हो सकता है जो मैं टेक्निक्स में बताऊं आपको वो टेक्निक्स आपको बहुत कॉमन लगे। तो बच्चों किसी भी बहुत ही ज्यादा एडवांस या फैसिनेटिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो बहुत ही क्लासिकल ही होता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है वो सॉल्यूशन। तो अगर मान लीजिए बच्चों आप लोगों को घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप के की जॉइंट फैमिली है, आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, आप लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने जाएं तो आप एक चीज डिसाइड कर लें कि अगर मैं 3 घंटे का स्लॉट ले रहा हूं पढ़ने के लिए, तो 3 घंटे से पहले चाहे घर में कुछ भी हो जाए, चाहे घर में डोमिनोज पिज्जा डिलीवर करे या घर में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, आप उन 3 घंटों से पहले अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, आप लोगों को मन करेगा क्योंकि 3 घंटे लगातार बैठना बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको यह डिसाइड करना है कि आप 3 घंटे से पहले अपनी सीट से उठेंगे नहीं। आप उन 3 घंटों में क्या करते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो 3 घंटे आपको अपनी पढ़ाई पे देना है। अब उन 3 घंटों में आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। या तो आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं जो कि सबसे आसान काम होता है मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए। उससे कठिन काम होता है बच्चों कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करें,
और सबसे कठिन काम जो होता है मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन में कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप लगातार 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाएं, जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन जैसी चीजों का सामना करना पड़े तो आप ऐसा काम करें कि आप मिनिमम 1 राउंड ऑफ स्टडी जो आपकी होनी चाहिए वो मिनिमम 3 घंटे की होनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटे पढ़ना है तो आप आधे आधे घंटे के स्लॉट में पढ़ रहे हैं, जी नहीं, 3 घंटे का स्लॉट 1 होना चाहिए और मिनिमम 1 दिन में 2 स्लॉट आपके होने चाहिए 3-3 घंटे पर के, और मिनिमम 6 घंटे आपको आपके पढ़ाई पे देने हैं। अब ये चीज कैसे होगी, आप कैसे 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के दे पाएंगे, तो इसके लिए बस आपको यही करना है कि आपको खुद से प्रॉमिस लेना है और आपको खुद से ये चीज बोलनी है कि मैं 3 घंटे जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अपनी सीट को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे रिक्टर स्केल पे 11.1 का भी भूकंप आए लेकिन मैं 3 घंटे से पहले अपनी सीट को छोड़ने वाला नहीं हूं। और ऐसा आपको ज्यादा नहीं करना है। देखिए मैं आज आप लोगों को एक बात बताता हूं, अभी आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो आपको मैं शायद थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूं, शायद, लेकिन ये जो मोटिवेशन होता है बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा आपको 7 से 8 दिन पुश कर सकता है 3 घंटे लगातार बैठने के लिए। लेकिन अगर आप 7 से 8 दिन लगातार 3 घंटे बैठते हैं तो ये आपकी आदत नहीं बनने वाली है। आप लोगों ने ज्यादातर चीजों में देखा है कि हर जगह बोला जाता है, चाहे आपने कोटा फैक्ट्री देखा हो तो उसमें ये बोला जाता है कि बस 21 दिन करना है, लेकिन जीतू भैया भी ये चीज नहीं बता पाए कि वो 21 दिन करना कैसे है। तुम बच्चों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, मैं उन 21 दिनों को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक पार्ट होता है मोटिवेशनल पीरियड और एक पार्ट होता है ट्यूशन पीरियड। मोटिवेशनल पीरियड वो पीरियड होता है जिसकी अवधि होती है 7 से 10 दिन। इसमें क्या होता है, जैसे आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कुछ करने के लिए, कुछ एक्सेल करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, तो इस जोश में आप लोग 7 से 10 दिन अपने आप को झोंक देंगे पढ़ाई में। मान लीजिए आप लोगों ने झोंक दिया, लेकिन क्या होता है बच्चों जब 8 से 10 दिन बीत जाते हैं उसके बाद आप लोगों के अंदर थोड़ी सुस्ती आने लगती है, आप लोगों के अंदर वो मोटिवेशन जो आज आप इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं ना वो मोटिवेशन आपको कम होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 दिन बाद ये वीडियो लेक्चर फिर से देखें तो आपको वही जोश आए जो आज आपको आज के दिन जो आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप 7 से 8 दिन अपना जो मोटिवेशनल पीरियड होता है उसमें आपने 7 से 10 दिन आपने अपनी पढ़ाई को अगर कंटिन्यू रख दिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है 10 से 12 दिनों का, उसको मैं बोलता हूं क्यूशन पीरियड। उसमें क्या होता है बच्चों, आपको खुद से कुछ खुद को पुश करना होता है अपने उन 3-3 घंटों के गोल को पूरा करने के लिए। मतलब ये ऐसा टाइम होता है जिसमें ना तो आपको शशांक की बात याद रहती है कि वो क्या बोला है 3 घंटे के बारे में, 3-3 घंटे के स्लॉट के बारे में, आपको बस मन करता है कि अब पढ़ाई बंद कर दी जाए और या तो वेब सीरीज देखी जाए या तो व्हाट्सएप वगैरह चलाया जाए। बस बच्चों आपकी जो असली मेहनत होती है वो उन्हीं 10 से 12 दिनों में होती है जब आपका मोटिवेशन खत्म हो गया हो। अगर आपने उस 10 से 12 दिनों में खुद की विल के अगेंस्ट में जाके खुद को पुश करना शुरू कर दिया और 10 से 12 दिनों में अपने आप को पुश करते रहे, उसके बाद 21-22 दिनों के बाद वो आपकी डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाएगा और आप लोगों को आगे सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। तो मैं आप लोगों को बेसिकली यही बात आज बता रहा हूं कि 21 से 22 दिनों का शेड्यूल बनाएं खुद को नीट 2021 के लिए झोंकने के लिए, उसमें से 8 से 10 दिन आपको मेरे द्वारा बोले गई बातों का मोटिवेशन रहेगा, आप 8 से 10 दिन अपने मोटिवेशन में पढ़ लेंगे, लेकिन जो लास्ट के 12 दिन होंगे उसमें आपको खुद को ना चाहते हुए भी पुश करना होगा। तो बच्चों ये बातें हम लोगों ने कर ली कि कैसे खुद को तैयार करेंगे इस नीट 2021 की बड़ी लड़ाई के लिए। और अगर आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है तो अपने आप को
आप ऐसी चीजों से दूर रखें जो आपको दुनिया से जोड़ने का काम करे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है वो है आपका मोबाइल फोन। देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि आप वही बात बोल रहे हैं सर जो पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन जो पूरी दुनिया बोलती है वो बात सच है। अगर आप खुद को दुनिया से जितना ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप उस चीज से दूर होंगे जो चीज अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, नीट 2021 के लिए खुद को झोंक देना। महीने बच्चों मुश्किल से 4 बचे हैं, और इन 4 महीनों में आपको पूरे 2 साल के सिलेबस को अपने अंदर ऐसे समाना है, सिर्फ समाना नहीं है, उस सिलेबस को आपको उन 3 घंटों में एक्सप्रेस भी करना है, वो भी 100% एफिशिएंसी के साथ। तो खुद को ऐसे चीजों से दूर रखें जो चीजें आपको दुनिया से जोड़ती हूं। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप मिलते हैं और वो ले जाके आपको 10 लोगों से और मिलाता है, तो प्लीज 4 महीने तक ऐसे दोस्तों से दूर रहें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उनसे दोस्ती तोड़ दें, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता हो। उसमें आपका मोबाइल फोन भी है, मे बी उसमें आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, मे बी उसमें आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि ठंडी के टाइम पे बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं और लोग फंक्शंस में अटेंड करने के लिए लेके जाते हैं अपने बच्चों को। तो इन सारी चीजों से आपको कट ऑफ करना है जो चीजें आपको दुनिया से जोड़ने का काम करें, और ये चीजें कब तक करनी है, मात्र 4 महीने तक। उसके बाद देखिएगा हमारे जितने बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे सबकी रैंक टॉप 1000 के अंदर आएगी, और उनको अपने स्टेट में या उनको ऑल इंडिया कोटे में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और बच्चों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, लेकिन अगर आपको आपके पढ़ने में, आपके टॉपिक्स को समझने में या आपके स्टडी पैटर्न को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इंडिया का पहला मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाया गया है टीम नीट शास्त्र के द्वारा, जिसमें आप लोगों को डेली, आप लोगों को वीकली टारगेट्स मिलते हैं कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सबसे बड़ी चीज किस तरह से पढ़ने हैं, और उससे भी बड़ी चीज बच्चों कि हम लोग जो आपको मेंटरशिप देते हैं वो पर्सनलाइज्ड होता है, मतलब हर एक पर्सन की जो विल होती है उस पे डिपेंड करता है, ना कि हम लोग जो मेंटरशिप देते हैं वो जनरल मेंटरशिप बाकी लोगों की तरह देते हैं, जिसमें हर बच्चे को मान लीजिए भले उसका स्टडी पैटर्न कुछ भी हो उसको सेम तरीके का टारगेट देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग जो टारगेट्स देते हैं, हम लोग जो टारगेट्स को अचीव करने का अप्रोच रखवाते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे का पर्सनल एटीट्यूड कैसा है। तो इंडिया का इस तरह का ये पहला आपको कोर्स मिलेगा, तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नीट 2021 के प्रिपरेशन को बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। धन्यवाद।